अस्सलाम वालेकुम। ये भाई ये हमारा सबसे बड़ा बहुत भाग्य है अभी जुड़ा शो ये जो है ना, ये देखो, ये इसका हालात देखो भाई, ये रास्ते का हालात है। तमाम आने वालों को खराब है, मिट्टी धूल है यार, रोड नहीं बना सकते। जवानों को ईद के बाद बनाओ, ये रोड ईद से पहले बनना चाहिए। हाँ ना, तो ये हम लोग अभी भी काफी परेशान हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ से बलूचिस्तान की तरफ से जाएंगे। इसके ऊपर अभी मैं जो है ना बात उठाऊंगा, एक्शन लूंगा। और ये क्यों ऐसा हुआ है, रोड इतना खड्डे खड्डे की और अभी तक इससे पहले बने नहीं। अच्छा चलो ठीक है। और कब से आए हो, कब से निकले? ये दूसरा इसका पार्टनर है। मैं तकरीबन घंटा हो गया हम लोग घर से निकले। अच्छा एक घंटे में? ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत है? ईद मुबारक तमाम देखने वालों को। और ये हम लोग आए हैं माशाल्लाह से बलूचिस्तान साकरान, और ये अभी ये तैयारियाँ जा रही है, खाना हम लोग तैयार कर रहे हैं। आपने दीदी, और ये हमारे अमित भाई है, हमारे अमित भाई। अस्सलाम वालेकुम अमित भाई, क्या हाल है? खैरियत है? अमित भाई से बात कर रहे हैं। अमित भाई क्या हुआ रास्ते में यार, परेशानी भी बहुत सुना है। अच्छा अच्छा, तो कैसा सफर, कैसा रहा? भाई जबरदस्त सफर रहा है। अच्छा ये जो बाकी बंदे आए हैं ये कह रहे हैं कि अभी जिस रास्ते से आए ये रास्ता सही नहीं है। बन रहा था। अच्छा तो रास्ता बनने की वजह से जो है ना वो काफी दुश्वारी हुई है। अच्छा परेशानी हुई है, तो अब वापसी कौन सा रास्ते पे जाना है? इंशाल्लाह हम लोग आप चौकी की तरफ। ठीक है ठीक है। ये भाई हमारे उस्ताद आ गए माशाल्लाह से। उस्ताद कैसे है? अरे तो भाई ठीक है। नहर का पानी कैसा है? जबरदस्त। ठंडा है? जबरदस्त जबरदस्त। चलो दो और दोस्तों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, क्या हुआ इब्राहिम भाई? दिस इज ये गाड़ी खराब हो गई है जिसे ब्रेकेल वाशिंग। अच्छा अच्छा मिनट, ये हमारा एक गाड़ी का ब्रेक भी फेल हुआ है। ये हमारा बॉस टेबलॉन काट के अभी जुगाड़ लगा रहा है। हाँ इमरान क्या हुआ है रास्ते में, परेशानी भी आता है? रास्ते में यार रोड तो देखा ही नहीं हमने तक। अच्छा डेढ़ घंटे से कच्चे के अंदर दरस दुरुस्त करके सारा सिस्टम खराब हो गया। तो अभी वापसी में मैंने सुना कि आप चौकी है, अभी आप चौकी वाला रास्ता लेंगे। सही है, लंबा तो है मगर साफ तो होगा थोड़ा सा। ठीक है ठीक है। ये अभी हमारा इंशाल्लाह वापसी का जो रास्ता है वो हम लोग आप चौकी पे जाएंगे, आप चौकी की तरफ से। तो ये जो जिस रास्ते से अभी हम लोग आए ये बड़ा ख़राब था, तो ये काफ़ी लोग आए हैं माशाल्लाह से। ये पहले हम लोग यहाँ आते थे जंगल हुआ करता था, बिल्कुल वीरान हुआ था, अभी काफ़ी फ़र्क पड़ा। ये देखिए ये रोड है जिस पर अभी हम लोग आए। मौसम भी सुनने में मौसम तो काफ़ी गर्म है, मगर लड़के लोग बोल रहे हैं पानी बिल्कुल बर्फ जैसा है। अच्छा करते हैं, चलो ये बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन को बताते हैं।